नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ईएनटी के एक नए चैप्टर में नेजल पॉलीपाई के बारे में बात करेंगे। तो नेजल पॉलीपाई होता क्या है? ये नॉन नियोप्लास्टिक ऑरिमेटस नेजल का पॉलिप है। तो नॉन नियोप्लास्टिक मास होता है जो कि एडिमेटस नेजल या साइनस म्यूकोसा से अराइज करता है। अब हम इसके डिवीजन की बात करें तो इसे दो डिफरेंट वैरायटीज में डिवाइड किया गया है। इसे दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। ये बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई और एंट्रोकोएनल पॉलिप के रूप में पाया जा सकता है। तो इसके दो टाइप हैं, एक है बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई और दूसरा है एंट्रोकोएनल पॉलिप। तो एक बार फिर से समझ लें कि नेजल पॉलीपाई होता क्या है। ये नॉन नियोप्लास्टिक मास है जो कि एडिमेटस नेजल या साइनस म्यूकोसा से अराइज करता है। तो एडिमेटस नेजल या साइनस म्यूकोसा से अराइज करने वाला नॉन नियोप्लास्टिक मास नेजल पॉलीपाई होता है। कितने टाइप्स के होते हैं? इसके दो वैरायटीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई और दूसरा है एंट्रोकोएनल पॉलिप। तो सबसे पहले हम चलते हैं बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई के बारे में बात करते हैं। इसकी इशियोलॉजी क्या होती है, ये कैसे हो सकता है? तो इसकी इशियोलॉजी की बात करें तो ये इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ नेजल म्यूकोसा के कारण अराइज कर सकता है। तो ये कैसे राइज कर सकता है? जैसे राइनोसाइनोसाइटिस के दौरान एडिमेटस कंडीशन होगा और इसकी वजह से ये पॉलिप अराइज कर सकता है। यह इसके अलावा सिलियरी मोटेलिटी या फिर एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ नेजल म्यूकोसा की वजह से भी अराइज कर सकता है। तो अक्सर आप देखे होंगे सिलियरी मोटेलिटी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं या अबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ नेजल म्यूकोसा जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में पाई जाती है उसकी वजह से भी ये अराइज कर सकता है। यह इन दोनों ही मामलों को आपको याद रखना होगा। इसके अलावा कई ऐसे डिजीजेस हैं जो नेजल पॉलीपाई के साथ एसोसिएटेड होते हैं, जैसे क्रोनिक राइनोसाइनोसाइटिस, चाहे वो एलर्जिक हो या नॉन एलर्जिक हो, दोनों ही तरीके के कंडीशंस में पॉलिप या नॉन नियोप्लास्टिक ग्रोथ या मास दिख सकता है। अस्थमा के कंडीशंस में भी ये संभव है, एस्प्रिन की इंटॉलरेंस होने पर भी ये पॉसिबल है। तो ये बात आपको याद रखना होगा, एस्प्रिन की इंटॉलरेंस होने पर भी ये पॉसिबल है। 36% ऐसे पेशेंट्स जिनमें एस्प्रिन इंटॉलरेंस होता है वो पॉलिप के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेमटर ट्रायड होता है, इस टर्म को आप याद रखें। इसमें नेजल पॉलिप बनता है अस्थमा का पेशेंट होता है और उसे एस्प्रिन की इंटॉलरेंस भी होती है। तो इस तरीके से इसके होने के डिफरेंट कारणों के बारे में बात किया हम लोगों ने। और भी बहुत सारे कारण हैं, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी इसका एक कारण हो सकता है। हो सकता है कि ये कैल्टागनर सिंड्रोम की वजह से भी हो, यंग सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है, च्रग स्ट्रॉस सिंड्रोम की कंडीशन में भी ये पॉसिबल है। तो इसलिए बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनमें ये पॉसिबल है, लेकिन वन बाय वन करके हम चलेंगे। तो चलिए अभी हम देखने की कोशिश करते हैं ये कैसा दिखता होगा। तो बायलेटरल एथमोइडल पॉलिप, एक्चुअल में इस इमेज में हम लोग एथमोइड साइनस पॉलिप्स के बारे में देख सकते हैं, या जिसको हम बायलेटरल एथमोइडल पॉलीपाई या पॉलिप्स कहते हैं उसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये एथमोइडल पॉलीपाई हैं, जबकि इसी के नीचे आप देख रहे हैं एक मैक्सिलरी, यहां पर मैक्सिलरी साइनस से अराइज करने वाला पॉलिप जिसको हम एंट्रोकोएनल पॉलिप भी कहते हैं। तो ये दूसरी वाली कैटेगरी है, एंट्रोकोएनल पॉलिप की कैटेगरी है। यहीं पर आप अंतर देख सकते हैं, जहां एथमोइडल पॉलीपाई एक से ज्यादा है वहीं पर आप देख रहे हैं एंट्रोकोएनल पॉलीपाई केवल एक की संख्या में है। ये अराइज कहां से कर रहे हैं उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है।
एथमॉइडल साइनस से अराइज कर रहा है या मैक्सिलरी साइनस से अराइज करने वाला है, तो उसके आधार पर इसका नाम रखा गया है। एक चीज और भी आपको समझना होगा कि ये नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं, नॉन कैंसरस होते हैं, और इसके ग्रोथ साइनस या नोज दोनों में ही हो सकते हैं। इससे जो पेशेंट अफेक्ट होते हैं उनमें लॉस ऑफ स्मेल, नेजल ड्रिप या रनी नोज देखने को मिलता है, टेस्ट कम डिक्रीज टेस्ट की प्रॉब्लम के साथ वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। कॉम्प्लिकेशन में साइनोसाइटिस हो सकता है, पेन, फेशियल पेन भी हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया एशियोलॉजी में बहुत सारे कारण हैं जिसमें एलर्जी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, एस्प्रिन की सेंसिटिविटी, जिसके कारण म्यूकस मेम्ब्रेन का ओवरग्रोथ होने की वजह से ये पेडंकुलेटेड मास या ससाइल कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये पॉलिप्स, चाहे पेडंकुलेटेड हो या ससाइल हो, लेकिन ये जो पॉलिप्स हैं ये अराइज करते हैं। दो अलग अलग कैटेगरीज हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, साइनसिस, जिस साइनसिस से अराइज करते हैं उसके आधार पर हम इसे नाम देते हैं। तो यहाँ पर हम इसे देख पा रहे हैं। अब और सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में देखें तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में भी ये अराइज कर सकते हैं। अबनॉर्मल म्यूकस सिक्रीशन की वजह से ऐसा होता है, एलर्जिक फंगल साइनोसाइटिस की कंडीशन में भी ये पॉसिबल है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, कैरटाग्नर सिंड्रोम में भी ये पॉसिबल है जिसमें जिसमें ट्रायड देखा गया है। तो यहां पर कुछ खास चीजें देखने को मिलती हैं, कॉम्बिनेशन देखा गया है जिसमें साइटस इनवर्सस, साइनोसाइटिस और ब्रांकियक्टेसिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये क्लिनिकल ट्रायड के रूप में इसे समझा जा सकता है। इसमें सिलियरी डिसकाइनेसिस की भी प्रॉब्लम देखी जाती है। तो ये कार्टेग्नर सिंड्रोम इस ट्रायड के साथ प्रेजेंट करता है। सिलियरी डिसकाइनेसिस से क्या लेना देना, तो सिलियरी डिसकाइनेसिस की वजह से आप देखेंगे कि सीलिया की मोटेलिटी खत्म हो जाती है और इसमें इमोटाइल स्पर्मेटोजोवा की भी कंडीशंस देखी गई है। इसमें पुअर म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस होगा और इस वजह से यहां पर देखने को मिलता है कि सीलिया का फंक्शंस ना के बराबर होता है। इसके अलावा यंग सिंड्रोम जिसमें साइनोपल्मोनरी डिजीज और एजियोस्पर्मिया की कंडीशन देखने को मिलती है, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम में भी ये कंडीशन पॉसिबल है, बायलेट्रल एथमॉइडल पॉलीपाई की, बायलेट्रल एथमॉइडल पॉलीपाई की प्रेजेंटेशन इसमें भी पॉसिबल है। इसमें और सारी कंडीशंस हैं, अस्थमा, फीवर, इस्नोफीलिया, वैस्कुलाइटिस और ग्रैनुलोमा, ये इसके साथ और भी कंडीशंस जो प्रेजेंट करती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बायलेट्रल एथमॉइडल पॉलीपाई भी प्रेजेंट करता है। नेजल मास्टोसाइटोसिस, इसमें क्या होता है, क्रॉनिक राइनाइटिस जिसमें नेजल म्यूकोसा इन्फिल्ट्रेटेड होता है विद मास्ट सेल, तो आप समझ सकते हैं मास्टोसाइटोसिस यानी मास्ट सेल इन्फिल्ट्रेट करता है और इसमें स्नोफिल्स की संख्या कम होती है, मास्ट सेल की संख्या बढ़ी हुई मिलेगी। तो आप देखेंगे स्किन टेस्ट करने पर नेजल मास्टोसाइटोसिस में आईजीई का लेवल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि यहां पर आप एक स्पेशल कंडीशन है कि इसमें मास्ट सेल इन्फिल्ट्रेट करेंगे लेकिन इस्नोफिल्स की संख्या कम होती है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें बायलेट्रल एथमॉइडल पॉलीपाई की कंडीशंस देखी जाती हैं। चलिए देखते हैं कार्टेग्नर सिंड्रोम को, तो कार्टाजेनर सिंड्रोम, कार्टेग्नर या कार्टाजेनर सिंड्रोम में क्या होता है, साइटस इनवर्सस होगा, ब्रोंकियक्टेसिस देखने को मिलेगा और साइनस में इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो आप इस इमेज में देख सकते हैं यहां पर लीवर राइट साइड में नॉर्मली होना चाहिए जो कि लेफ्ट साइड में हो जाता है, स्टमक लेफ्ट साइड में होना चाहिए वो राइट साइड में चला जाता है, साइटस इनवर्सस होने के साथ साथ ब्रोंकियक्टेसिस और
साइनोसाइटिस की प्रेजेंटेशन कार्टा जेनर सिंड्रोम में देखने को मिलता है। कार्टाग्नर या कार्टा जेनर जो आप कह लें, यहां पर कार्टा जेनर सिंड्रोम की प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया है कि ब्रोंकियेक्टेसिस, साइनोसाइटिस और साइटस इनवर्सस के साथ ही प्रेजेंट करता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है और इसमें मैंने ये भी आपको बात बताया कि इसमें सिलियरी मोर्टैलिटी में डिफेक्ट देखा गया है। इस दौरान अगर जो भी पेशेंट इससे अफेक्ट होंगे मेल में खासतौर पर, वो इनफर्टाइल होंगे क्योंकि स्पर्म के टेल की मोर्टैलिटी नहीं पाई जाती है। तो ये इसकी प्रेजेंटेशन होती है। चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम की बात करें तो चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम स्मॉल वेसल के वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन है। आप यहां पर देखें, ये चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम एक्चुअली स्मॉल वेसल की वैस्कुलाइटिस है। एक बार फिर से इसी इमेज को एक बार रिकॉल कर लें तो पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा, वैस्कुलाइटिस जिसे हम कहते हैं। तो लार्ज वेसल की वैस्कुलाइटिस का एग्जाम्पल है टाकायासू आर्ट्राइटिस, जायंट सेल आर्ट्राइटिस। मीडियम वेसल की वैस्कुलाइटिस का एग्जाम्पल है पैन पॉली आर्ट्राइटिस नोडोसा, कावासाकी डिजीज। जबकि जब हम स्मॉल वेसल की वैस्कुलाइटिस की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशंस हैं, या तो इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, आप यहां पर देखें इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड, इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेनॉक, शॉलिन, परप्यूरा। इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड वैस्कुलाइटिस होता है। इसके अलावा आप देखेंगे इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड में आप SLE, रिमेटॉयड आर्थराइटिस, बहुत सारी कंडीशंस को शामिल कर सकते हैं। इसमें हाइपोकॉम्प्लीमेंट्रिक अर्टिकैरियल वैस्कुलाइटिस भी इसमें एग्जांपल है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखना इम्यून कॉम्प्लेक्स वाले मामले में हिनॉक, शालिन, परप्यूरा। इसके साथ ही साथ SLE, रिमेटॉयड आर्थराइटिस, सीरम सिकनेस को इसमें याद रखना चाहिए इस कैटेगरी में। जबकि जब हम अंका मीडिएटेड, अंका एसोसिएटेड स्मॉल वेसल वैस्कुलाइटिस की बात करते हैं तो इसमें आता है वेजनर ग्रेनुलोमेटोसिस, चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम और माइक्रोस्कोपिक पॉलीएंजाइटिस, ये नाम आते हैं। यहां पर इनको याद रखना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कई मामले ऐसे भी हैं जहां पर हमें उसका पैथोजेनेसिस का बेसिस नहीं पता होता है, जैसे कि आप देखेंगे टाकायासू आर्ट्राइटिस के मामले में यह होता क्यों है नहीं पता चल पाता, पैन क्यों होता है नहीं पता चल पाता है, इसकी एशियोलॉजी अननोन है। इनकी स्मॉल वेसल्स की वैस्कुलाइटिस के पैथोजेनेसिस पता चल गया है, इसमें कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से होते हैं और कुछ अंका एसोसिएटेड होते हैं। चर्ग स्ट्रॉस सिंड्रोम की बात करें तो मैंने आपको बताया ये अंका एसोसिएटेड होता है। इसमें तीन कॉमन प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है, अस्थमा, वैस्कुलाइटिस और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन। तो ये तीन अलग अलग प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे इसमें क्लिनिकल तीन फेजेस होते हैं, इसमें तीन फेजेस होंगे। इसमें सबसे शुरुआत में होगा एलर्जिक राइनाइटिस, ये 10 साल से ज्यादा समय तक होगा, प्रोडार्मल फेज। उसके बाद यहां पर स्नोफिलिक फेज में देखेंगे कि स्नोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है और इन स्नोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन लंग में, जीआई ट्रैक में और स्किन में देखने को मिलता है। और वैस्कुलाइटिस फेज में क्या होगा, वैस्कुलाइटिस फेज में स्मॉल और मीडियम वेसल, खासतौर पर स्मॉल ब्लड वेसल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ग्रेनुलोमा प्रेजेंट करता है और इसमें अस्थमा के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो वही मैंने आपको बताया कि यहां पर वैस्कुलाइटिस तो होगा ही, इसमें ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगा, एक्स्ट्रा वैस्कुलर ग्रेनुलोमास और अस्थमा के सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ये वैस्कुलाइटिस जो फेज होता है उसमें ये तीनों चीजें देखने को मिलती हैं। स्नोफिलिक फेज में स्नोफिलिया की संख्या, स्नोफिल्स की संख्या बढ़ी हुई होगी, जबकि प्रोडर्मल फेज में आप देखेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। लेकिन यहां वैस्कुलाइटिक फेज में तीन चीजें देखने को मिलती है, वैस्कुलाइटिस, ग्रेनुलोमा, अस्थमा, ये तीन चीजें इसमें शामिल होती हैं। यहां पर देखें तो
आप समझ पाएंगे चर्क स्ट्रास सिंड्रोम बॉडी के कई सारे पार्ट्स को प्रभावित करता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कार्डियक, न्यूरोलॉजिकल, नेजल, जिसको हम इस समय कंसर्न कर रहे हैं, जो कि हमारा भी कंसर्निंग पॉइंट है, उसको इन्वॉल्व करता है, पल्मोनरी, रीनल, वैस्कुलर, स्किन, जीआई ट्रैक, कई सारे पार्ट्स को ये अफेक्ट करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ग्रैनुलोमा, वैस्कुलाइटिस और अस्थमा की प्रेजेंटेशन के साथ होता है, तो यहाँ पर जीआई ट्रैक में भी क्या होगा, इसनोफिल्स का इनफिल्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी बताया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। रीनल केसेस में भी वही होगा, यहाँ पर आप देखेंगे पल्मोनरी फेजेस में भी यही सारी चीज़ें होंगी कि इसनोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होता है, वैस्कुलाइटिस के सिम्टम्स होंगे, अस्थमा के सिम्टम्स होंगे, ये सारी चीज़ें इसके साथ प्रेजेंट करती हैं। अब हम बात करें आगे पैथोजेनेसिस की, तो पैथोजेनेसिस हम पढ़ रहे हैं किसकी, हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं एथमॉइडल पॉलिप्स की, बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिपोसिस या पॉलिप्स पॉलिपाई की, सॉरी बाइलैटरल एथमॉइडल पॉलिपाई की हम पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। ये क्यों होता है, किन किन कंडीशंस में प्रेजेंट करता है, उसको हम लोगों ने देखा, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया। कार्टाजेनर सिंड्रोम में, चर्क स्ट्रास सिंड्रोम में, यंग सिंड्रोम में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, एस्प्रिन की इनटॉलरेंस के कंडीशंस में मैंने बताया कि पॉलीपाई डेवलप कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, तो इसमें नेजल म्यूकोसा, खास तौर पर मिडिल मिएटस के रीजन की, आप याद रखें यहां पर मिडिल मिएटस के रीजन की, और जो मिडिल टर्मिनेट्स के रीजन के आसपास की जो म्यूकोसा होती है, मैंने आपको बताया भी था, इमेज में दिखाने का प्रयास भी किया था थोड़ी देर पहले, कि जो इस हिस्से में पॉलिप्स डेवलप होते हैं वो एडिमेटस म्यूकोसा की वजह से डेवलप होते हैं। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कलेक्शन होता जाता है, जिसके कारण पॉलिपॉइडल चेंजेस होते हैं। ये पॉलिप्स जो डेवलप होते हैं वो सशाइल होते हैं शुरुआत में, लेकिन अगर ये बड़े होते जाएं, ग्रेविटी की वजह से बड़े होते जाते हैं, तो ये पेडंकुलेटेड हो जाते हैं। तो इसमें एक्सेसिव स्नीजिंग होगा। पैथोलॉजी में देखें तो इनकी जो पैथोलॉजी की कंडीशंस में, आप नेजल पॉलीपाई की जो सरफेस है वो सिलिएटेड कॉलुमनर एपिथेलियम से अडहेयर्ड होती है, उससे ढकी हुई होती है। यहां पर आप देखेंगे मेटाप्लास्टिक चेंजेस भी इसमें देखने को मिलते हैं, और इसमें एटमॉस्फेरिक इरिटेंट्स की वजह से ट्रांजिशनल और स्क्वैमस टाइप की जो मेटाप्लास्टिक चेंजेस भी देखने को मिलती हैं। इसमें सब म्यूकोसा में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, जिसमें सीरस फ्लूइड फिल होता हुआ दिखता है। इसमें स्नोफिल्स, चूंकि इरिटेशन की वजह से ये डेवलप हुए, इसलिए यहां पर स्नोफिल्स का इनफिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। और इसकी साइट ऑफ ओरिजिन की बात करें तो ये मिडिल मिएटस से अराइज करता है, लेटरल वॉल ऑफ नोज, जो कि इमेज में मैंने जब दिखाया था तो उस समय आप इस चीज को देखे होंगे कि लेटरल वॉल ऑफ नोज में ये अराइज किए हुए था, और खास तौर पर मिडिल मिएटस के हिस्से से ये अराइज किए हुए था। यहां पर आप देख सकते हैं एथमॉइडल पॉलिप्स कहां पर डेवलप हो रहा है, मिडिल मिएटस के हिस्से से, ये मिडिल मिएटस के आसपास के हिस्से में ये डेवलप कर रहा है, आप यहां पर देखें। जबकि आप देखेंगे जो इन्फीरियर मिएटस होता है, जहां पर मैक्सिलरी साइनस डेवलप करेगा, तो वो एंट्रोकोएनल पॉलिप्स के एग्जाम्पल में देखा जाएगा। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे डिटेल में चलेंगे, मैक्सिलरी साइनस से जो पॉलिप्स हैं, मैक्सिलरी साइनस पॉलिप्स वो कैसे डेवलप करते हैं। अभी हमारा टारगेट है एथमॉइडल साइनस पॉलिप्स के बारे में बात करने का। और ये देखें, जब ये छोटा होता है तो ये सेसाइल होता है, बाद में ये पेडंकुलेटेड हो सकता है ग्रेविटी के इफेक्ट में। हिस्टोलॉजिकल लेवल पर देखने की कोशिश करें ये कैसा दिखेगा, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पर सीरस फ्लूइड का एक्युमुलेशन होगा, स्नोफिल्स इनफिल्ट्रेट करेंगी, और यहां पर राउंड सेल्स नजर आएंगे सब म्यूकोसा में। तो ये
एक खास किस्म की प्रेजेंटेशन होती है जो कि इन्फ्लेमेशन के बाद ये पॉलिप्स डेवलप होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के जितने भी हिस्टोलॉजिकल जो लेवल पर जो उसकी प्रेजेंटेशन हो सकती है वो सारी यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पर हाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलरी एपिथेलियम विद मेनी गॉबलेट सेल्स ये होते हैं। स्नोफिल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप देखें माइग्रेशन ऑफ स्नोफिल्स थ्रू द एपिथेलियम ऑफ नेजल पॉलिप, द स्नोफिल्स आर कंसंट्रेटेड मेनली बीनीथ द नेजल मेम्ब्रेन। तो यहां पर आप देखें ये है नेजल, आप देखें मेनली बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसल मेम्ब्रेन के बीनीथ आप देखें यहां पर ये स्नोफिल्स की संख्या काफी ज्यादा बढ़ी हुई यहां पर दिख रही है। तो ये क्यों ऐसा डेवलप हुआ, ये एक शब्द में कहना चाहें तो ये सीधे तौर पर इन्फ्लेमेशन या उसके बाद की कंडीशंस में प्रेजेंट होने वाला पॉलिप्स है। सिम्टम्स की बात करें तो जहां हम बायलेटरल एथमॉइडल पॉलिप की बात करें तो ये एडल्ट्स में, और एडल्ट्स में भी आप देखेंगे 30-60 ईयर्स की एज में इसकी बड़ी प्रेजेंटेशन होती है। आमतौर पर इसकी प्रेजेंटेशन एडल्ट्स में होती है। नेजल स्टिफनेस होगा, टोटल नेजल ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बता रखा है कि स्मेल की सेंस कम हो जाती है, इसमें हेडेक और साइनोसाइटिस के भी सिम्टम्स हो सकते हैं। क्योंकि पॉलिप्स डेवलप हुआ इसलिए स्नीजिंग होगा, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होता है अगर एलर्जी उसके साथ एसोसिएटेड है। और यहां पर पॉलिप्स जब बड़ा होने लगता है तो ये प्रोट्रूड करने लगता है नॉस्ट्रल से। साइन क्या होगा, एंटीरियर राइनोस्कोपी में पॉलिप्स स्मूथ ग्लिस्टनिंग ग्रेप लाइक मास के रूप में नजर आते हैं, पेल कलर के। ये सेसाइल होते हैं अगर छोटे हैं, पेडंकुलेटेड होंगे अगर बड़े साइज के हैं। ये इनसेंसिटिव होते हैं प्रोबिंग के, और ये ब्लीड नहीं करते टच करने पर। ये आमतौर पर मल्टीपल होंगे और बायलेटरल होते हैं। इनकी वजह से नेजल नाक जो है थोड़ी ब्रॉड हो जाती है और इंट्राकैंथल डिस्टेंस बढ़ जाता है। इसमें नेजल कैविटी में प्यूरुलेंट डिस्चार्ज होगा क्योंकि यहां पर एसोसिएटेड साइनोसाइटिस भी इसके साथ एक फीचर होती है। तो यहां पर प्यूरुलेंट डिस्चार्ज हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे, तो पेशेंट जब अपनी समस्या के साथ आएंगे तो आप सीधे तौर पर डायग्नोसिस बनाने का प्रयास कर सकते हैं। और इसके लिए एंटीरियर राइनोस्कोपी में आप देख रहे हैं किस तरीके से ये एक मास नजर आ रहा है। आप देखेंगे नेजल इंडोस्कोपी में और बेहतर तरीके से आप उसकी इमेज ले सकते हैं। तो यहां पर डायग्नोसिस बनाने के लिए क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है, सिटी स्कैन पैरानेजल साइनसिस का, ताकि आप ये देख सकें बोनी इरोजन तो नहीं है और इसमें कोई नियोप्लास्टिक चेंजेस तो नहीं है, ये बात रूल आउट करने के लिए पैरानेजल साइनसिस का सिटी स्कैन करना बेहद जरूरी है। इसमें टिश्यू का हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। जैसा कि हमने देखा था इस्नोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन है, गॉबलेट सेल्स की संख्या बढ़ गई, ये सारी चीजें अगर पॉलिप्स की ग्रोथ हो रही है तो नजर आएगा। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस में क्या चीजें हो सकती हैं। इसमें ट्रीटमेंट के ऑप्शन को हम कॉज के आधार पर ही देखेंगे। अगर एलर्जी है तो एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं और ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। तो इसमें एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं और एलर्जेंस, एलर्जी के जितने भी कारण होते हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसमें स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, ताकि स्टेरॉइड्स देने का मकसद ये होता है कि सर्जरी के बाद दोबारा ना हो। सर्जरी अगर करना पड़ता है तो पॉलीपेक्टोमी, जो पॉलिप्स हैं उसे कट कर देते हैं। और यहां पर इंट्रानेजल एथमॉइडेक्टोमी भी कर सकते हैं अगर पॉलिप्स मल्टीपल हैं और सेसाइल हैं, तो इंट्रानेजल एथमॉइडेक्टोमी करना पड़ता है। इसमें आप देखेंगे कि अनकैपिंग ऑफ एथमॉइडल एयर सेल्स, जो उनकी अनकैपिंग करते हैं वो इंट्रानेजल रूट से करते हैं, इसलिए हम इसे इंट्रानेजल एथमॉइडेक्टोमी कहते हैं।
यहां पर एथमाइडेक्टोमी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये करते क्या है इसमें? तो इसमें एथमाइड साइनसिस के जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यू और बोन्स होते हैं उन्हें कट करके हटा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इस पॉलिप की ओरिजिन यहां पर आसपास के हिस्से में हो रही है और ये बार बार हो रहा होगा, तो इसलिए एथमाइड बोन का जो अफेक्टेड पार्ट होगा यहां पर एथमाइड साइनसिस के आसपास के जितने भी बोन होंगे अफेक्टेड टिश्यू होंगे उन्हें हम कट करके हटाते हैं। रूट है इंट्रानेजल। अब इसी तरीके से एक और भी रूट होता है एक्स्ट्रानेजल। तो अगर इंट्रानेजल प्रोसीजर के बाद भी पॉलिप्स बार बार डेवलप हो रहे हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट से एक्सटर्नल इंसिजन देते हैं और इसमें मीडियल टू मीडियल कैंथस हम इंसिजन देते हुए हम जाने का प्रयास करते हैं और जो दोबारा पॉलिप्स जहां पर डेवलप हो रहा है उसको कट करके हटाते हैं। इसके अलावा ट्रांस एंट्रल एथमाइडेक्टोमी भी करना पड़ सकता है। ट्रांस एंट्रल एथमाइडेक्टोमी कब करते हैं, ये इसका इंडिकेशन क्या होता है, अगर मैक्सिलरी एंट्रम में भी एथमाइड एंट्रम के अलावा मैक्सिलरी एंट्रम में भी इन्फेक्शन पहुंच गया है तो ऐसे मामलों में इसे करना पड़ सकता है। आपको याद रखना होगा कि ये जो एथमाइड साइनसेस होते हैं इनमें अधिकतर मामलों में इन्फेक्शन यहीं पर एथमाइड साइनस में ही आता है, कई बार ये मैक्सिलरी एंट्रम को भी प्रभावित कर सकता है, तो ऐसे मामलों में ट्रांस एंट्रल एथमाइडेक्टोमी एकमात्र ऑप्शन होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी जिसमें FESS किया जाता है, जिसमें वेरियस इंडोस्कोप ऑफ 0 डिग्री या 30 डिग्री और 70 डिग्री के एंगुलेशन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। एथमाइड एयर सेल्स एथमाइड साइनसिस को देखने के लिए आपको एनाटॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स जो बनाए गए हैं उसको देखने की जरूरत है। इसमें FESS का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब होता है फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। तो फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी इसका नाम होता है। चलिए देखने की कोशिश करते हैं ये डिफरेंट तरीके की जो सर्जिकल ऑप्शंस हैं ये कैसे अप्लाई किए जाते होंगे, तो उनके बारे में देखते हैं। शुरुआत करते हैं इंट्रानेजल एथमाइडेक्टोमी में। तो यहां पर आप देखेंगे किस तरीके से इंट्रानेजल एथमाइडेक्टोमी किया जाता है, उसका अल्टीमेट टारगेट क्या होता है उसको यहां पर दिखाया गया है कि जो इन्फेक्टेड एथमाइड जो एयर सेल्स होती हैं, जो बोन होते हैं, जो टिश्यू होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। एक्स्ट्रा नेजल एथमाइडेक्टोमी में आप देखेंगे यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि अगर इंट्रानेजल प्रोसीजर के बावजूद पॉलिप्स रिकर हो रहा है और ऐसे मामलों में आप देखेंगे कि मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट से हम अप्रोच करते हैं और यहां पर एक्सटर्नल इंसिजन देते हैं मीडियल टू मीडियल कैंथस, यहां पर इंसिजन दे करके वहां पर एथमाइडेक्टोमी का ऑप्शन अप्लाई किया जाता है। आप देख सकते हैं कैसे इसे किया जाएगा, यहां पर देखें ये यहां से इंसिजन दिया जाता है। यहां पर मैंने आपको बताया था ना मीडियल टू मीडियल कैंथस, तो मीडियल कैंथस के मीडियली इंसिजन दिया जाएगा और सीधे एक्सटर्नली एथमाइडेक्टोमी एक्स्ट्रा नेजल अप्रोच के साथ की जाती है, ये तरीका यहां पर अपनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें तो ट्रांस एंट्रल एथमाइडेक्टोमी कब करना पड़ता है, इसकी जरूरत कब पड़ती है ट्रांस एंट्रल एथमाइडेक्टोमी की, तो जब इन्फेक्शन या पॉलीपाइडल चेंजेस मैक्सिलरी एंट्रम में भी नजर आने लगते हैं तो फिर ऐसा करने की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए कॉल्डवेल ल्यूक सर्जरी की जाती है ताकि हम मैक्सिलरी एंट्रम में पहुंचते हैं और उसके बाद एथमाइडल सेल्स को अप्रोच करते हैं वाया पोस्टरो सुप्रो मीडियल एंगल ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम से।
तो यहाँ पर हम एथमॉइडल सेल तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्सिलरी एंट्रम में भी अगर ये इन्फेक्शन है तो ये ट्रांस एंट्रल एथमॉइडेक्टोमी का ऑप्शन चूज किया जाता है। अब इसी के बाद हम बात करें इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी में क्या करेंगे, इंडोस्कोपिक मेथड से यहां पर देखें तो एथमॉइडल साइनसिस में जहां भी इन्फेक्शन होता है उसे रिमूव करने की कोशिश की जाती है। यहां पर तीनों साइनसिस आप देख सकते हैं, फ्रंटल साइनस, एथमॉइडल साइनसिस के ये पार्ट हैं, पीछे की ओर स्फेनॉइड साइनसिस हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं फेस्को फंक्शनल इंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी के प्रोसीजर को होते हुए आप यहां पर देख रहे हैं। तो ये नेजल पॉलीपाई का ये जो पहला सेक्शन था जिसमें हम लोगों ने बात किया है एथमॉइडल बायलेटरल एथमॉइडल पॉलीपाई के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एंट्रोक्विनल पॉलिप के बारे में।